ट्रक चालक शरीफ को आतंकियों ने मारी गोली, तीन बेटियों के सर से उठा पिता का साया। राकिब खान, पहाड़ी क्षेत्र के गांव उभाका का निवासी शरीफ खान ट्रक लेकर जम्मू कश्मीर सेव लेने गया था, जहां पर आतंकियों ने शरीफ पुत्र नूर मोहम्मद की गोली मारकर हत्या कर दी। शरीफ के शव को प्रशासन द्वारा दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट से देर रात्रि को पहाड़ी तहसीलदार रामकुमार कंजर शव लेकर पहाड़ी पहुंचे। उससे पूर्व ग्रामीण लोगों ने उपखंड अधिकारी जगदीश आर्य को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन देकर मृतक के परिवारजनों को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई, जिसको लेकर ग्रामीण लोग ने शव ला रहे तहसीलदार को रास्ते में तिलपुर गाँव के समीप रोक लिया और शव को वापस पहाड़ी भिजवा दिया। आज बुधवार सुबह जैसे ही ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए तो तहसीलदार, नायब पहाड़ी थाना अधिकारी व सीओ साहब मौके पर पहुंचे और राज्य सरकार अधिनियम के तहत मांगे पूरी करने का आश्वासन देते हुए शव का अंतिम संस्कार करने की ग्रामीणों से समझाइश करने लगे, जहां ग्रामीणों ने अपनी मांगों को रखते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मृतक शरीफ के परिचालक ने बताया घटनाक्रम। इकराम पुत्र रमजान मेव गांव मलहका निवासी थाना तावडू जिला नूह हरियाणा निवासी शरीफ के परिचालक ने बताया कि वह दोनों सोमवार को ट्रक मालिक रुकमुद्दीन काटपुरी निवासी की गाड़ी को लेकर जम्मू कश्मीर के सोपियां सेव भरने के लिए गए थे, जहां सेव भरते समय शरीफ गाड़ी के सामने खड़ा होकर परिवारजनों से फोन पर बात कर रहा था और मैं गाड़ी के अंदर बैठा था तो अचानक से दो आतंकवादी आए जिन्होंने ने शरीफ पर हमला बोल दिया। शरीफ को जबरन गाड़ी के अंदर पटक दिया और मैं पहले से ही गाड़ी के अंदर मौजूद था। दोनों आतंकवादियों ने हमें गाड़ी रोड पर ले जाने के लिए कहा। शरीफ गाड़ी चलाने लगा और मैं सूझबूझ से गाड़ी से कूदकर भाग निकला। जान बचाकर एक निवासी के मकान में छुप गया। कुछ देर बाद देखा तो रोड पर गाड़ी खड़ी हुई है जिसमें आग लग रही है, तो गाड़ी के पास जाकर देखा तो वहां से सूचना मिली कि शरीफ थाने में है। मैं थाने पहुंचा तो वहां शरीफ मृत अवस्था में मिला। मैंने परिजनों को फोन पर घटना की सूचना दी। आना तो आपको बहुत पहले चाहिए था, फिर भी हम आपका एहसान बनने कि आप हमारे पास आए। हम गांव वालों का, क्षेत्र वालों का, गांव वाले सब नहीं है, क्षेत्र वालों का जो निर्णय हुआ है वो ये है कि हमें शरीर मृतक बताइए क्या है इस उभा का प्रकरण के लेकर। बाइक आईडी आपको ले रहे हो ना? मैं तो पैसे ले रहा हूँ। मैं पैसे उभा का प्रकरण में ग्रामीणों से चर्चा की गई और चर्चा के दौरान राज्य सरकार की जो भी देय सहायता है उसके बारे में बताया और राज्य सरकार की तरफ से जो है 2 लाख रुपए की राशि का चेक भिजवाया गया है और मृतक के लिए 50,000 रुपए की राशि रेड क्रॉस सोसाइटी शोपिया जिले जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, 3 लाख रुपए की सहायता जो है शोपिया कलेक्टर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से दे होंगे उन्होंने घोषणा की है और